जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, उनसे अशरफ उल औलिया जिंदाबाद, फैजाने मखदूम सेमना जिंदाबाद, फैजाने सरकार फुरकाही जिंदाबाद। नारे तकबीर जिंदाबाद, नारे रिसालत या रसूलल्लाह। करीब करीब जो मुझे रहने का
मिला तो मेरे जज्बे ईमानी ने मोहब्बत ने मुझसे सवाल किया कि जो चीज तुम्हारे दिल में पिना है क्यों नहीं इसे मंजर यहां मिलाते। तो मैंने हुजूर अशरफ औलिया की मोहब्बत पर एक किताब रोशनी की जिसका नाम सोहबते औलिया नाम ही सोहबते औलिया। अब ये उन लोगों के लिए कि सोहबते औलिया से क्या नहीं सोहबते औलिया से क्या नहीं हाँ आप मोहब्बत तो करके देखिए बेशक हाँ जो मोहब्बत का तकाजा है जो मोहब्बत का जाविया है जो तस्वीर मोहब्बत है वो फिर बैठे देखिए। अभी मेरे मोहतरम आरी साहब ने ये कह दिया मुझे अफसोस होता है कि हम अशरफी तो है मैं कैसे मेरे अभी अगर मेरी दिल की धड़कन को देखो तो मेरी दिल की धड़कन तो ये कह रही है सिर्फ अशरफी ही नहीं जो भी समुंदर के करीब किया हुआ प्यासा कभी नहीं सूरज के करीब किया हुआ कभी प्यासा नहीं है कोशिश से महसूस हो सकता है मुझे याद आ रहा है जब हुजूर कौसुम कहलाइन ने फरमाया था 18 साल की उम्र में मदरसा निजामिया के एक आया फरमाया था सुनो ए लोगों मुहिउद्दीन वो है तुम कतरा हो तुम मुझसे मिलो मैं तुझे समुंदर बना दूंगा। सुनो मैं वो हूँ जो कब्र में रहकर भी कलाम करता हूँ मैं वो हूँ जिसको सूरत देखता है समुंदर होता है हालात रूनुमा होते हैं तो मुझे कलाम करते हैं मेरे अजीज मैं तो वो हूँ जो कब्र में रहकर भी कलाम करता हूँ लोगों की रहनुमाई करता हूँ लोगों के काम आता हूँ। मेरे अजीज जिस सिलसिले मोहब्बत से वाबस्ता है उस दरिया समुंदर के करीब तो सकते फिर आपको ये नहीं है कि कोई दौलत अदा कर दे ये दौलत तो वो चंद रोज के लिए आनी जानी है। मेरे मरहूम पाक ने तो दस दिया कि हुकूमत को फोकर मार दो हटा दो अगर मार्शल की दुनिया से दिल सरकार हो जाएगा आईना बन जाएगा तो तुम सारी कायनात के लिए फायदे रहता हूँ। शर्त है कि प्यासा जब करीब होगा तब मेरे अरे मैंने एक किताब को सोचा कि इसी मौके से इसमें ये डॉक्टर अनवार साहब शायद तशरीफ लाए हैं उनकी बड़ी काफी शर्म मोहब्बत है। अभी जो भी किताबें तस्वीर थी मैंने हालात के पेशे नजर किताबों की तस्वीर थी मतलब मिसाल के तौर पर ले लो कि ये मकान मेरा है और यहाँ के लोग मुझे के दखल कर सकते और मुझको एक सुरक्षा हो दो और मुझको घर से निकाल दो जैसे सरबरे कायनात 3 साल तक पैगंबर इस्लाम को बिहार की वादी में जिंदगी बितानी पड़ी। मेरे अजीज मुझे निकाल दिया जाए घर से तो जाहिर है कि मैं हुकूमत का सहारा लूंगा और जब हुकूमत का सहारा लूंगा तो पूरे बस्ती के लोग जाकर के अदालत में गवाही देंगे कि नहीं ये जमीन ये मकान इनका नहीं है ये जमीन ये मकान इनका नहीं है तो अदालत तो डॉक्यूमेंट्स देखेगी
कागजात देखे, पूरा बस्ती क्या पूरा जमाना अगर कह दे ये मकान इनका नहीं है, मगर जिसके पास कागजात होगा जमीन उसी की होगी और मकान उसी का होगा। तो मैंने जो किताबें लिख दी है, हमने रजिशारी की दुनिया पर लिख दी है कि हम अहले अकीदत पे एक मजबूत कड़ी दिया जिससे मैंने उठा करके कौन के हवाले और उस दस्तावेज में सबसे पहले मैंने अटाए रसूल का कि अटाए रसूल ने जिस काम को किया वो मेरा ईमान कोई भी काफी मसला हो मेरे अजीज जैसे मुहर्रम काली राम ने एक सहन दिया कि अशरफी नाज तक उठाता है खानदान का। मैंने ऐसे नहीं, मेरा एक कायराना जहन है, मैं हर चीज को तौलता हूँ, तौलने के बाद उसे लाता हूँ। अशरफी में याद है रहमा फरमाते हैं कि लोग मुझे बुरा कहे, लोग मुझे बुरा कहे, लोग तो लोग से अपने भी मुँह पकते हैं पढ़ाए भी मुँह पकते, जैसे कि भाई कौन लोग हैं अपने लोग हैं, कौन लोग हैं गैर लोग हैं, तो लोग मुझे बुरा कहे कहते उनका होता भला कर। हम जिस बारगाह के परवरदा हैं लोग मुझे बुरा कहे उनका खुदा भला कर। ताना जनी अमाम की मुझको हो नागवार की लाख मुझे कहते हैं जिसने बलांगिया का चित्र उठा के देखो, दस्तावेज उठा के देखो। मैं उन बुजुर्गों के दामन का परवरदा हूँ जो कभी हजरत भाई अजीज गुस्तानी ने लड़का बजाया, कभी जुन्नर मिस्री ने चौथे जगह और मुकाम हासिल किया था, कभी साबिर का तैयारी अलह रहमाने को इन में तसव्वुर का दर्शन दिया उसी सरजमीन का एक जर्रा बराबर नाचीज को भी जो सरसा से हुआ। तो मेरे अजीज आगे शर्फी फरमाते हैं जब आगे बात बढ़ी तब उन्होंने अपना खानदान का जिक्र किया, कौन पाता है खानदान, कौन पाता है खानदान है। मगर देखो जब आदमी का कायराना जहन हो जाता है, जब वो शिद्दत से उतर जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता और वो खाली जवाब देने के लिए तैयार होता है। तो हुजूर अशरफी मियां ने अपने खानदान का मामला दिया कि कौन पाता है खानदान, उस पर भी क्या खामोश रहा, लोग खामोश नहीं रहे तो आपने कहा कि सुनो कोई भी हो, क्या बात, कोई भी हो, कोई भी हो, अगर आले मोहम्मद के बराबर अली हुसैन शरीफिया के रूह थे। मैंने पूछा कि हजूर आपने किस शिद्दत में देखा, आपने अल्ताफ फरमाया कि वफादी है तो मुझे समझ लो, इसलिए मुझे ये शर्मसार कर देना पड़ा, इसलिए मेरी अभी तो सौ के औलिया की किताब आई है और अंत करीब मैं आप लोगों के सामने वो भी जो बस में वो हजरत का पैगाम हो सकते ये किताब मेरी बहुत अंत करीब सही होगी। मैंने मजहब इस्लाम के इतने उम्दे को बयां किया है कि शायद अच्छे अच्छे कालीन भी अच्छे अच्छे कालीन में बहुत सुन लो मेरे अजीज, तमाम सीरत पाके मुस्तफा की किताब को रख लो, तमाम सीरत पाके मुस्तफा की किताब को उठ लो, सीरत पाके मुस्तफा से कोई बढ़कर किताब नहीं है, मगर तमाम किताबों को उठा करके देख लो, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, 40 साल की उम्र चालीस साल की उम्र में हजूर ने क्या कहा ऐलान नबूवत, बताओ 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत है कि आप मादरे शिकम से दुनिया में आए उसी वक्त उम्मती की सजा दे रहे हैं, ये ऐलान नबूवत नहीं तो क्या है, ऐलान नबूवत नहीं तो क्या है, तमाम सीरत पाक की सफा कितना खूबसूरत देख लो। अब बताओ जिस घर में आकाल इस्लाम तशरीफ ला रहे आपके वालदा मौजूद है कि नहीं, उन्हें न सुना कि नहीं सुना, दाया मौजूद है कि नहीं,
रहे अभी इतनी औकों के दरमियान में आप ऐलान नबूवत कर रहे हैं और मुसलमान अपने कह रहे हैं कि 40 साल के बाद आपके इलाके में मेरे अभी एक बच्चा पैदा होगा उसका एक काम नहीं कटा होगा तो बस्ती के सारे लोग देखने के लिए चले जाएंगे एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है काम कटा हुआ किसी की आंख नाक कटी हुई है पैर टूटा हुआ उस बच्चे को देखने के लिए सब लोग चले जाएंगे और जो बच्चा ऐलान नबूवत कर रहा है क्या बात है सुभान अल्लाह पूरे अहले अरब गवाह है मेरे आका अली सलाम के बेशक 2800 बरस के बाद बुखारी की गई बेशक बेशक कहां तक हक है मेरे अजीज इसलिए मेरे अजीज हक अला इन मौलिया जाहिदा मफूल नहीं मैंने एक किताब को तोबते औलिया का निकाली से डॉक्टर हमार साहब मेरा फ्लैग खड़े हो जाएंगे देखिए ये गुहा के भी कितना दर्जा ये पटना सिटी पटना आपको मैदान करने वाले मैंने एक रोज किसका था कि अपनी इतनी बड़ी क्षमता है वहाँ मैं बहुत खुश तो मेरे ऐसे सियाकार मेरी जिंदगी का हुआ दिया खुदा मस्त है मेरे अभी देखिए मैं जाइए ये सारी किताब की काबिश नहीं थी और उन्होंने यहाँ तक इसलिए मैं चाहता हूँ दूसरा किताब दूसरी किताब ये है कि मैंने पहले उर्दू में वो ताजिया शरीफ लिख दिया था तो ये दो किताबें देखते हैं ऐसा नहीं मैंने उसको अभी बाबू ने चला रहा उनकी काल चला रहा मेरा क्या ये आया है और ये चलाते हैं ये नेट चला करके मेरा जो अभी प्रोग्राम होता है उसको नेट पे दे देते और गौर फरमाइए कि ये नेट के इन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा कि अभी अभी क्या किया किस किताब में हमने एक महीना पहले देखा था ये मुझे पूछा करूँगा ये बताइए ये किताब जो आप नंबर पे दे दिया तो कहा कि अभी तक 65 से 70 आदमी किताब को बहुत देख चुके तो हमने एक तलाशी मसला को हटा दिया था उसमें मैंने एक सनद के तौर पर दिया दूसरी किताब सोबते औलिया है तो हमने इसे लिए कि हमने सोबते औलिया में क्या और आप लोग भी सच्ची मोहब्बत में आइए आज की मुबारक महफिल में हम अपने दूसरे साहबजादे जो हैं बाबू अशरफी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सिलसिले कादरिया चिश्तिया निजामिया और अशरफिया साथ साथ सादरिया की खिलाफत सिर्फ इसको आप
पढ़ ले, हमने उसे दिया है हर दिन में अल्लाह ताला की बारगाह में हमने इंतजार किया। अल्लाह ए बारे अल्लाह, जब तू एक अस्हाबे कहफ से सुनते थे, क्या बात, एक रात की सोबत तेरे वली के साथ में सुनता चला था, वो भी रात की तारीखी में चला था, दिन तो ज्यादा नहीं। और फिर उन लोगों को जब खस्ता हुआ तो जाकर के एक पहाड़ के कोने पनाह ली, और पनाह ली तो कुत्ता भी उसके अंदर चला। तो एक शख्स तेरे दोस्तों के सोहबत में आया, अल्लाह ताला उस कुत्ते को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हजरत ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से इस किताब की तस्दीक फरमाई है। हजरत की मेहनत का कोई हक अदा नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, ये किताब जो आपके सामने है उसमें पैसे लगे हैं, इसलिए आप लोगों से मुख्तसरा गुजारिश है कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर ताबून फरमाइए ताकि आने वाले वक्त में और दूसरी किताब पढ़ ले आप। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से मुख्तसरा गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितने इरादतमंद हैं, जितने इरादतमंद हैं इस काम में, इस तस्वीर के काम में भरपूर ताबून फरमाए, दादा दीर में कद में सुख में हिस्सा कर ताकि दूसरी किताब नारे 50,000 रुपए माशाल्लाह। और क्या करते हैं, सब कुछ है तो क्या करेगा किताब हमने कहा कि आकीदे का प्रवर्तक, मैं इस अकीदे का प्रवर्तक हूँ कि मिटा दो शौक से आकर मिटा दो मेरी जरूरत, मेरे औलाद को भी मकसद दिया गया।
नहीं तो मिटा दो शौक से आका है, मिटा दो मेरी गुर्बत गुर्बत करते हैं ऊपर तो मिट्टी डाल दी। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। मिटा दो शौक से आका, मिटा दो मेरी गुर्बत को। अरे जो कुछ पे भर मिटा हो उसका जितना भी नहीं समझा, भर मिटा हो उसका भी नहीं समझा। आप अपनी दुआ में याद रखिए। और मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दिल की धड़कन के करीब आइए, कि मैं चाहता हूँ कि हर दरख्त हर पौधा इतना शादाब हो, इतना शादाब हो कि चरिंद और परिंद भी आकर के अपना घोषणा धूप की तमाजत में जानवर भी उठाए में चलाए। इसलिए रहमतुल्लाह आलमीन का साया तो ऐसा साया है। इसलिए आप लोग खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए, उसके बाद बहुत ही जल्द आप लोग
क्षमता की कमी नहीं है। जैसे कि में जो है तालिया शरीर में कोई भी अशा नहीं, शायद मेरे ही जो मैंने अपने किताब में दिया है कि नबी के नवासे के दर का हुसाए, नबी के नवासे के दर का हुसाए हुआ जिनकी उल्फत में दिल मेरा माये, हुआ जिनकी उल्फत में दिल मेरा माये, न शिकवा किसी से न फतवा दलाए, न शिकवा किसी से न फतवा दलाए, हुसैनी हूँ मैं तालिया क्या हुआ, शहादत ने तेरी बना डाल दिया है बहुत बड़ा सही नहीं का ये الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم